नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारा एक्साइटमेंट, ये तीनों चीज आज उन निवेशकों के ऊपर है, कह लीजिए दिलो दिमाग में चल रहा है, जिन्होंने आईटीसी को बहुत लंबे समय से होल्ड करके रखा। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता ही होगा, केवल बाइंग की रिकमेंडेशन मैंने आईटीसी में दी है बहुत समय से। इवन वापस से जब वो 208 206 के आसपास गया था, मैंने कहा था कोई टेंशन नहीं है, अगर पैसे हैं एक्यूमुलेट कीजिए, बहुत अच्छे लेवल्स हैं, प्लीज कीजिए। और देखिए अब जो लोग कह लीजिए ईएसजी की प्रॉब्लम कहते थे, जो लोग कहते थे ये अजीब तरह का स्टॉक है, मैंने हमेशा केवल दो बात कही आईटीसी में, याद रखिए डिफेंसिव स्टॉक है, वही पैसे लगाएं जो बहुत लंबे समय तक आपको यूज नहीं करने हैं, 200 रुपए के आसपास जब भी आए आराम से खरीदारी करते रहें। और देखिए जो लोगों ने भी ये काम किया होगा, आप देखिए आज बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में हैं। ये एक बार 190 के आसपास स्टॉक गया था दोस्तों, वहां पर भी जो खरीदे होंगे, मैं थोड़े लंबे समय की बात कर रहा हूं, आप देखिए वहां से लगभग 30% भाग चुका है, 30% का रिटर्न प्लस एटलीस्ट 10% का ये ऑलरेडी आपको डिविडेंड भी दे चुका है, तो टोटल आप देखेंगे 45% का आपको रिटर्न ये दे चुका है। और अगर आप मान लीजिए भाई 45% नहीं भी लो, आपने 190 नहीं लिया हो, आप 10% और ले जाएं, आपको ये अगर 30% भी रिटर्न दिया हो, 25% प्लस 10% का आप मान लीजिए आपको इसे डिविडेंड दे दिया होगा, उतने समय से आप ऑलरेडी ऑन एन एवरेज 30% के आसपास के रिटर्न में है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। और कोई अगर ट्रेड कर रहा होगा, इसने बहुत अच्छे अच्छे कह लीजिए ट्रेड्स भी दिए हैं, लेकिन अब वो पिछली बातें हो गई। और जैसा मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो एक तगड़े रेसिडेंस होते हैं वो इस बात के ऊपर हमारे हमको इस बात की जो जवाब ढूंढने चाहिए, क्या वहां सेल कर दें या हम उसको होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, ताकि जब वो वापस हमें एक अच्छे सपोर्ट मिले तो हम उसे खरीदारी करें, तो इसी सवाल को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों किल कर दी गई दोस्तों, मार दिया गया है पूरी तरीके से जो रीच थी इस चैनल की, प्लीज आपसे मेरी बहुत बड़ी विनती है, प्लीज इसकी रीच को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना आप कर सकते हो, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने दोस्तों भाई को भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या सर्च करके द रिटेल इन्वेस्टर देखें, या मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज्वाइन कीजिए, ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन ना भी आए तो भी आपको वीडियो मिलते रहे। अब मैं आपको सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ, 2.23% की तेजी, कितनी 2.23% की आज फिर तेजी। आज की तेजी में सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, 49.95, अगर ये स्टॉक आज 250 से ऊपर क्लोजिंग दे देता बहुत जबरदस्त क्लोजिंग रहती दोस्तों, ठीक है। और आप कह भी सकते हैं भाई 250 दे दिया, इसके पास जो अभी रेजिस्टेंस है ना, इसके पास वो है दोस्तों रुपीज, कितना रुपीज 252 का, ठीक है रुपीज 252 का, 252 रुपए का अभी बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है इसके पास। अगर इसने 252 को तोड़ दिया और उसके बाद ऊपर जाना शुरू किया, आप देखेंगे एक अलग तरह की रैली वापस से आएगी अब। लेकिन क्या ये रैली आ सकती है, क्या ये सब हो सकता है, ढूंढेंगे एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल के ऊपर। आप देखें ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है दोस्तों, माफ कीजिए ईटी टाइम्स का, तो आप देखिए आईटीसी एट रुपीज 450, ठीक है फंडामेंटल, इन्होंने 450 लिख दिया, 250 होगा, फंडामेंटल एंड टेक्निकल साइंस में है फाइनली अलाइन फॉर अ सुपर साइकिल, यानी कि एक सुपर साइकिल की यहां बातें हो रही दोस्तों, कि अब ये भयंकर तेज भागेगा, बल्कि ठीक है तो क्या क्या माफ कीजिएगा ये सच में 450 लिखा है, मतलब इन लोग जब आते हैं अपने पे तो क्या टारगेट देते हैं। और यही लोग हैं कि ESG, मुझे याद है इसी में कहीं मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि ESG नॉर्म के कारण, पैसे नहीं आने के कारण बर्बाद हो जाएगा ये स्टॉक, ये स्लोइंग डाइंग पॉइजन है, और पता नहीं क्या क्या यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट्स आए। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ बाजार में मैं बहुत, मतलब मैं बहुत ही यंग समय में आया था, बीच में बहुत लंबा गैप था मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण, लेकिन मैंने पूरे अपने इस जर्नी जो रही मैंने पढ़ा है देखा है कि जब चीजें बहुत बर्बाद होती है ना किसी स्टॉक में, वो फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए, जब उसमें बहुत दबाव है ना, वो सिर्फ खरीदारी का मौका होता है, क्योंकि जब वो भागेगा ना तो उसकी सारे पाप भुला दिए जाएंगे और धो दिए जाएंगे। वही बात आईटीसी, अब सब 450 की बातें कर रहे हैं,
Now, ever since the war broke out between Ukraine and Russia, the market has seen a roller coaster ride. But there has been an unusual Nifty stock that has defied trend and rallied significantly. It is now starting its biggest weekly close in 2 years. ठीक है, ITC has jumped 21% since February 24 to hit a 250 mark in the 16 market session. Since then, it has closed in red in just 4 stances. लगातार तेजी है दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ आपको पता होगा, केवल केवल एक रोलर कोस्टर सी राइड आपको ऊपर नीचे निफ्टी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है. लेकिन ऐसे वक्त में निफ्टी स्टॉक ITC जो हमेशा अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को, वो एक गजब की रैली दिखा रहा है और जो क्लोजिंग में से टेक्निकली भी बहुत जबरदस्त है. नाउ देखिए, विनय खट्टर हेड ऑफ रिसर्च एट एडलवाइस ब्रोकिंग बिलीव्स स्टार्स हैव अलाइन फॉर सुपर साइकिल इन द काउंटर एंड स्ट्रेच द रैली टू ₹450. और लिटरली में ये 200-450 की बातें कर रहे हैं दोस्तों, 450 की. एक टाइम में लोग इसमें निवेश करने से बच रहे थे. ठीक है, अब आगे देखिए, द मनी मैनेजर हैज पुट बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल रीजन बिहाइंड द कन्विक्शन. बोथ एनालिसिस पॉइंट टुवर्ड अ पॉसिबल 80% जंप फ्रॉम करेंट लेवल्स, इट सेड इन अ रिसर्च नोट पॉलिश्ड ऑन थर्सडे. नाउ द अबव मेंशन टारगेट इज अमंग द मोस्ट बुलिश वन अमंग ऑल एनालिस्ट हु ट्रैक द स्टॉक्स. रिफिनिटिव डेटा शोज द मीडियन टारगेट ऑफ 12 analysts picked a stock at price ₹276, the highest one eliminated ₹341 and the lowest one at ₹230. यानी कि अगर आप एक मीडियम टर्म देखेंगे तो 276 का टारगेट दिया जा रहा है, और अगर आप एकदम लोअर टर्म देखेंगे तो 230, जो कि ये तोड़ चुका है, भाग चुका है 230 को, और नेक्स्ट है सबसे बड़ा 341. ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर ITC 276 को तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस पे और एक दो दिन टिक जाता है ऊपर इस तरह पे, नेक्स्ट टारगेट बता देता हूँ ₹300 सीधा है दोस्तों. भले ये भागे नहीं, मैं बता दूं 276 से ऊपर इसको एक दो दिन बस टिके रहना है वॉल्यूम्स के साथ, ना गिरे ना बहुत तेज भागे, आप देखेंगे सीधा 300 का टारगेट आएगा. ठीक है, आप आगे देखिए, और ये कह रहे हैं भाई कि ये बहुत तेजी करने वाला है. बाय बाय ESG. जो सब लोग ITC के निवेशकों को खाली ये बोल रहे थे, मतलब बड़े बड़े एनालिस्ट को मैंने यूट्यूब में देखा है कि मैंने सारी होल्डिंग बेच दी है, ITC बेच दी है, भाई कैसे बात कर रहे हो यार, आप देखो तो इसके बिजनेस को. मैं ये मानता हूँ कि ITC एक ऐसा बिजनेस है, और हमेशा इतिहास में आप देखेंगे कई ऐसे स्टॉक रहे हैं जो कभी नहीं भागते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल आपको एक्यूमुलेशन का मौका देते हैं. लेकिन जो लोग उस एक्यूमुलेट को करने से जो एक्यूमुलेट करते हैं उन्हें अल्टीमेट मिलता है उसका फायदा. आप इतिहास देखें, आप टाटा मोटर देख लें, आप HUL देख लें, कई साल नहीं भागा, जब भागा तो रुका नहीं कभी. अब देखिए, खट्टर सेड इन द टाइम्स व्हेन कमोडिटी प्राइस मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली द ESG इन्वेस्टिंग फिलॉसफी विच स्ट्राइव्स टू इन्वेस्ट इन एनवायरमेंटली एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनीज एंड इट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट आर अनसर्टेन. अरे भाई, आप धंधे की बात करो ना, आप जब बिजनेस में पैसा लगाने आए हो ना, वो सब चीज़ें तब फैंसी लग रही थी, तब बहुत अच्छी लग रही थी कि भाई ESG नॉर्म होगा, ये होगा, जब मार्केट में एक अल्ट्रा लिक्विडिटी थी. अब जब लिक्विडिटी नहीं बची है, सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है पैसा बनाना. और ITC एक ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, होटल्स उसके चेन लगातार बढ़ रहे हैं, ITC इन्फोटेक बढ़ रहा है, सिगरेट की डिमांड बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, हर एक तरीके से ITC आगे बढ़ रहा है. ऐसे वक्त में अगर आप ITC नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अब सब बाय बाय ESG कर रहे हैं दोस्तों. नाउ ITC इज अमंग द ESG नेगेटिव कंपनीज दैट हैव सीन सिग्निफिकेंट मल्टीपल डी रेटिंग्स डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, स्केलिंग अप ऑफ द FMCG बिजनेस, रैशनलाइजेशन द रिटेल बिजनेस एंड रिवाइवल ऑफ द होटल्स एंड पेपर बोर्ड बिजनेस. देखिए, पेपर बोर्ड बिजनेस बढ़ रहा है, होटल बिजनेस बढ़ रहा है, रिटेल बिजनेस बढ़ रहा है, हर एक चीज बढ़ रही है, इतनी अच्छी कैश फ्लो भी है, उसके बावजूद सिर्फ ESG नॉर्म के कारण इस पर निवेश कभी नहीं आया. वी एक्सपेक्ट चेंज इन इन्वेस्टमेंट फिलोसफी एंड EPS CAGR of 12% to lead multiple re-rating from 16 times currently to 30 times from financial 24 earning. ये खट्टर का कहना है. He is basically banking on higher cigarette sales compared to early and greater margin FMCG business. देखिए, margin in FMCG business में मैं doubtful हूँ. मुझे नहीं लगता इन्हें कोई बहुत अच्छी margin मिलेगी. अगर मिलती है तब तो दोस्तों एक sky rocket हो जाएगा ये stock. Literally में, फिर ये रुकेगा नहीं. अगर इसने double digit margin दिखा दिए तो फिर ITC की स्टॉक को कोई नहीं रोक सकता. लेकिन मुझे इस बात में, क्योंकि जिस तरह से जो आपके लिए जो रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो रहे हैं और तमाम प्रेशर, प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है, मुझे नहीं लगता मार्जिन भागेंगे. लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में एक बार प्राइस अगर ये बढ़ाती है, ITC घटाएगी तो है नहीं. जब
इन्फ्लेशन घटेगा तब आईटीसी की मार्जिन डबल डिजिट होगी और आप देखेंगे एक री रेटिंग होगी। सिगरेट वॉल्यूम सेल्स के कारण आपको पता है एक तेजी हो सकती है। तो इन तमाम चीजों में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि हर कोई कह रहा है बहुत बुलिश है। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, 251-252 एक काफी डेंजर लेवल है दोस्तों, ठीक है। जितनी कन्विक्शन से मैं आपको 200 के आसपास बोल रहा था कि स्टॉक को खरीदो, मैं शायद अभी ना बोलूं। अगर आप खरीद भी रहे हैं, अगर आपको लगता है यार नहीं खरीदूंगा मैं, याद रखिएगा उस स्टॉक को ऊपर ले जाया जाएगा, डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी, नेक्स्ट क्वार्टर में देगी नहीं, थोड़े बहुत महीने के बाद शायद वापस से आपको गिरावट दिखे स्टॉक में। इसीलिए अगर आप बाय ऑन डिप्स या एसआईपी मोड में खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी मुझे कम लगती है। आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है इन लेवल्स पे, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं करना है दोस्तों, मैं तो ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्टेड हूं और अच्छे खासे अमाउंट में इन्वेस्टेड हूं। लेकिन आपको अगर आपको दिख लगता है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं तो या तो खुद करें या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें, उसके बाद ही पोजीशन बनाएं। ये वीडियो अगर आपकी पूरी एनालिसिस में पसंद आई हो, अगर आपको हेल्प किया गया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।